और आपको बहुत ज़्यादा उठा पटक भी ना करना पड़े। सो फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा कि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो आपके बैली फैट को बहुत ही फास्ट तरीके से रिड्यूस करेगी, और साथ ही इस एक्सरसाइज को आप अपने बेड पर लेटे लेटे ही कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से इन एक्सरसाइज को अपना एफर्ट लगा के 5 से लेकर 7 दिन भी कंटिन्यू फॉलो करते हैं, सो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको 5 दिन के अंदर ही आपके बैली फैट पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप मुझे खुद भी कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका बैली फैट कितना रिड्यूस हो गया है। सो आपको 2 बातों का ध्यान देना है। पहला, अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे, तो आपकी जो डाइट है वो बहुत अच्छी और हेल्दी होना चाहिए। जैसे कि आपके खाने में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, समोसा, ये चीज़ें आपको बंद करनी होगी। दूसरा, आपको जो मीठा खाते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा शुगर, उसको पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। सिर्फ चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, अदरवाइज आपको शुगर बिल्कुल बंद करनी होगी। तीसरा, अपने खाने में कार्ब की मात्रा थोड़ी सी कम करें यानी कि कंट्रोल करने की कोशिश करिए। उसकी जगह पर आप सब्जियां, सलाद, प्रोटीन, इन चीज़ों को ज़्यादा ऐड करें। कार्ब हमेशा उतना ही लें जितना कि हमारे शरीर को ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कार्ब लेने से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर फैट, स्पेशली बॉडी पर फैट आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कम से कम 1 सप्ताह 5 से लेकर 7 दिन जरूर करें। पहले ही दिन सुबह एक्सरसाइज करके ये मत सोचिए कि शाम को आपका पेट कम हो जाएगा। सो कम से कम अच्छे से 5 से लेकर 7 दिन इसको फॉलो जरूर करिए और फिर देखिए आपका बैली फैट छूमंतर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखने के बाद ये वीडियो अगर आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है, पसंद आ रहा है, उसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस तरीके से कोई कुशन, तकिया, जो भी है आपके पास, उसको क्या करना है, हमें अपनी कमर के नीचे लगा लेना है इस तरीके से, और हमें लेट जाना है। लगाने के बाद अपने आप को बिल्कुल सीधा रखें, इससे आपके इस हिस्से पर खिंचाव होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपनी गर्दन के पीछे लगा के थोड़ा सा कोशिश करिए अपनी जो इस पोस्चर को उठाने की, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा कोशिश करना है। और फर्स्ट राउंड हमें कैसे करना है, अपने पैरों को उठाना है और अंदर की तरफ लाना है, अपने घुटनों को अपनी छाती की ओर लाने की कोशिश करना है, यानी कि आपके थाई से आपको पेट को अंदर धकेलने की कोशिश करते हुए नीचे की तरफ जाना है। आपके जो पैर हैं वो ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए, और वापस आना है इस तरीके से, पैर टच नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ अच्छे से लाने की कोशिश करिए और अपना राउंड बनाइए। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आप इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करें, अगर आप इसको जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा अकॉर्डिंगली जितना कि हम स्लो स्लो करते हैं। सो इसको स्लो स्लो करना है और 10 बार आपको अंदर की तरफ घुटने लाते हुए पैरों को नीचे हुए ले जाता है, और इस तरीके से आपको पूरा ए राउंड करना है। बिल्कुल धीरे धीरे से कोशिश करिए, इस हिस्से को उठा कर रखिए, ओके। और 10 बार जब आप इस तरीके से कर लेंगे, आपको इसके जस्ट अपोजिट करना है, यानी कि लाते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए नीचे से ले जाना है, यानी कि जैसे आपने फर्स्ट राउंड करा था उसके जस्ट इसको अपोजिट करना है। इसको भी आपको कम से कम 10 बार करना है। इससे आपको ये हेल्प होगी कि अगर आपके अपर बैली या फिर लोअर बैली पर कहीं भी फैट है तो ये आपके पूरे पेट को कम करेगा, ना कि स्पेशली लोअर बैली या फिर अपर बैली, पूरे बैली फैट को कम करेगा। और जब आप तकिया को इस तरीके से कमर के नीचे लगा के करते हैं तो आपके बैली पर इसका बहुत प्रेशर पड़ेगा। इस तरीके से करना है, कम से कम 10 से लेकर 15 टाइम करना है, यानी कि 10 से लेकर 15 टाइम हमने इस तरीके से करा और 10 से लेकर 15 टाइम हमने इस तरीके से करा। आपका कम से कम इसमें 1 मिनट हो जाएगा इस एक्सरसाइज को करते समय, और आपके पेट पे भी इसका बहुत प्रेशर पड़ेगा।
पेट आपका सेप में आने लगेगा और फैट उसका रिड्यूस होने लगेगा। सो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को आपको करना है कम से कम एक मिनट हो जाएगा आप जब इस तरीके से पूरा दो राउंड करेंगे इस एक्सरसाइज के, और आपको इस तरीके से कम इस एक्सरसाइज के 5 से लेकर 6 सेट लगाने की ज़रूरत है। कम से कम 5 से लेकर 6 सेट जरूर लगाइए। इन एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज के लिए हम बिल्कुल आराम से सीधा लेट जाएंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सीधा सा लेट जाना है अपने बेड पर, अपने हाथ को ऊपर ले जाइए और इस हिस्से को अच्छे से खींचने की कोशिश करिए, यानी कि स्ट्रेचिंग अच्छे से करें ताकि रिजल्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आपको क्या करना है, एक पैर को और एक हाथ को उठाना है, इस हाथ से थोड़ा सा सपोर्ट ले लेना है ताकि एक्सरसाइज करने में आपको बहुत आसानी हो जाए। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 ये एक्सरसाइज आपका पेट बहुत जल्दी से अंदर करेगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से दूसरे साइड करना है। हाथ को पीछे ले जाइए, अच्छे से स्ट्रेच करने की कोशिश करिए, दूसरे कोहनी से हाथ से सपोर्ट लेते हुए 1, 2 थोड़ा सा आप धीरे करें, मैं जल्दी बता रही हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके बैली फैट को कम करने के लिए। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 2 से लेकर 3 सेट में जरूर कर लें, यानी कि 10 बार 1 लेग से 10 बार 2 लेग से। अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं पहले दिन कर रहे हैं तो आप इसका टाइम थोड़ा सा कम रख सकते हैं, धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाने की कोशिश करिए। दोनों एक्सरसाइज को आप फॉलो करेंगे और आप देखेंगे जो आपकी पेट की चर्बी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। बस आपको डाइट पर भी ध्यान देना है और इन दोनों एक्सरसाइज को आराम से बेड पर लेटे लेटे करना है। ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल ना करें, कम से कम खाना खाने के 4 से लेकर 5 घंटे बाद कर लीजिए, या फिर आप सबसे बेहतर है कि जब आपका पेट खाली होता है चाय या कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल जरूर लगा होगा, पसंद आया है। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया फटाफट कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबाइए, लाइक करिए।